यूपी के शाहजहानपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बारात में सिलेंडर लीक होने से भीषण आग लग गई। इस हादसे में एक दर्जन लोग घायल हो गए जबकि एक की मौत हो गई। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पर डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार जारी है। क्या हुआ था, कैसे क्या हादसा हुआ? ये फिर क्या हुआ? कैसे क्या आग लगी थी? सिलेंडर पर कितने क्या लोग घायल हैं? अभी हमारे पास करीब 10 लोग लाए थे जिसमें बच्चे बड़े सभी थे। इसमें एक महिला जो है हमारे पास मृत अवस्था में लाई, बर्न था, काफ़ी डीप बर्न था, तो शायद उसकी वजह से मृत्यु हो गई। उसकी बॉडी हमने मर्ची में रखा दी गई। बाकी 9 लोगों का इलाज यहाँ जिला अस्पताल में किया जा रहा है। किस तरीके से इलाज किया जा रहा है? इलाज के लिए आप जैसे देख ही रहे हैं, हमारे सर्जन सारे लगे हुए हैं, सारा स्टाफ लगा हुआ है। क्या कंडीशन है उन लोगों? कंडीशन गंभीर है, इनमें से करीब 6 लोगों की तो हालत काफ़ी गंभीर है, सभी का इलाज किया जा रहा है।